सरकार की ऑनलाइन फार्मेसी व केंद्र ई पोर्टल विचार को लेकर भारी नाराजगी दिखलाते हुए जिले भर के दवा व्यवसायी ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आज हड़ताल पर रहे और विरोध स्वरूप जमकर नारेबाजी की। एकजुट दवा विक्रेताओं द्वारा कहा गया कि सरकार की इस नीति से देश भर के करीब 8.5 लाख दवा व्यवसायी व 50 लाख कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि ई पोर्टल नीति से देश भर में जरूरी दवाओं का अभाव हो जाएगा। प्रदेश सरकार से फार्मासिस्ट व ड्रग लाइसेंस नवीनीकरण समस्या का अविलंब निदान की मांग करते हुए वक्ताओं ने सभी मांगों पर सरकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। लातेहार जिला में भी दवा व्यवसायियों के देशव्यापी हड़ताल का असर देखा गया। जिले के बालूमात इलाके में हड़ताल के कारण तमाम दवा दुकानें बंद रही, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। साप्ताहिक हाट के मौके पर जरूरतमंदों को आज दवा के अभाव में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि हड़ताली अपनी मांगों के समर्थन में जिद पर अड़े रहे। 30 मई को पूरे भारतवर्ष के 8,50,000 केमिस्ट, उसमें खुदरा और होलसेल दोनों व्यवसायी शामिल हैं, स्ट्राइक पे हैं। आपको उत्सुकता होगी कि हमारा ये स्ट्राइक ऑल इंडिया लेवल पे क्यों कॉल किया गया। इसके 2-3 मुख्य बिंदु हैं जिस पे ये कॉल लिया गया है और हम सरकार से, अपने राष्ट्रीय सरकार से, राज्य की सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार कर करके केमिस्ट हित में, रोजगार के हित में निर्णय लें। बंधुओं, इस देश के अंदर अंग्रेजी जमाने से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 लागू है। उस कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर एक प्रावधान है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट के उस प्रावधान से जितना लोगों को तकलीफ नहीं है, उस फार्मासिस्ट के नाम पे जो 8,50,000 केमिस्ट का जो शोषण किया जाता है, दोहन किया जाता है उसके नाम पे कि फार्मासिस्ट एब्सेंट है, फार्मासिस्ट नहीं है, आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, आपके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे, इससे लोगों को इतराज है। हम सरकार से आज के इस महत्वपूर्ण दिन पे मांग करते हैं कि अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो इस देश के क्या 8,50,000 लोगों का रोजगार छीन लिया जाएगा, उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा, उनके करोड़ों परिवार को क्या सड़क पे ला दिया जाएगा, या कोई रिमेडी है, कोई दूसरा रास्ता है? मेरा कहना है, हमारे ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 5 साल से ऊपर जिन लोगों को दवा दुकान चलाने का अनुभव है, उनके लिए रोस्टर सिस्टम लागू करके उनको प्रशिक्षित करने का काम किया जाए। और अगर इसमें कोई फीस की जरूरत है, कोई रेवेन्यू की जरूरत है, तो हम उस रेवेन्यू और फीस को पे करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ाई